बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सामी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी अहम समात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक और बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दूसरे 6 मेंबर बेंच ने इसकी समात की। और अगर मैं ये कहूँ कि आज जजेज़ ने अपना माइंड दे दिया है कि बेसिकली वो किस सिमत जा रहे हैं, किस सिमत देख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बताता हूँ मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हकूमत ने, इसके अलावा जो बात डिस्कस करूँगा, हकूमत ने जो भी इकदाम किए, IMF का पैकेज आया, स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ और बड़ी तसलियाँ, तिफल तसलियाँ दी गई कि अब इकॉनमी बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो डॉलर है मार्केट में, वो इसहाक डार साहब और PDM की जो हुकूमत है उसकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ आज उसमें ऑलमोस्ट 3 रुपये ओपन मार्केट में उसका इजाफा हुआ है। और बताया जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन थी, जो ख्वाहिशात थी, जो उम्मीदें थीं कि डॉलर की कीमत कम आएगी और उसका इम्पैक्ट होगा, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा अभी तक तो ये एक ख्वाब ही है और अभी हमें इसकी ताबीर नज़र नहीं आई। तो एक तो फिर क्या वजह है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्यों जब अब IMF से स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी हो गया है और हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो भी ऑलमोस्ट, हुकूमत ये दावा करती है कि 8 से 10 अरब रुपए के वो हो गए, तो फिर क्या वजह है कि ये 10 बिलियन डॉलर हमारे पास रिज़र्व में है लेकिन जो रुपए की वैल्यू है वो काबू में नहीं आ रही और जो ये डॉलर है, ये इसकी कीमत बढ़ती जा रही। तो सबसे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। 6 मेंबर बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में और इसमें जस्टिस आयशा, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और उमर अता बंदियाल साहब इसकी सरबराही कर रहे थे। तो अब कल तक इसकी समात मुलतवी हुई है, लेकिन आज जो अटर्नी जनरल साहब ने अचानक रिक्वेस्ट की, उन्होंने आके फिर वही बात कही कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो वो बड़ा उसमें बेहतर होगा, कलेक्टिव एक विजडम आएगी। इस पर उनकी जस्टिस आयशा मलिक के साथ सवाल और जवाब भी हुए। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का कहना था कि आपने पहले एक जज पर इल्ज़ाम लगाया, उनको कहा कि वो अलहदा हो जाने चाहिए, पहले कहा कोई इतराज़ नहीं है, फिर इतराज़ किया, वो अलहदा हो गए। अब आप उन्हीं जज का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट पढ़ के, यानी जिस पर पहले आपने इतराज़ किया, जिनको बेंच से आपने अलहदा कराया, आप उन्हीं का नोट पढ़ के ये कह रहे हैं कि बेंच जो है वो फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। आप जस्टिस याह्या अफरीदी की बात भी कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में जो इरफान कादिर साहब थे, उन्होंने आके 3-4 दफ़ा कोशिश की रोस्ट्रम पे आके जजेस से बात करने की, लेकिन एक तो जजेस ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, और दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी, उनको साफ नज़र आ रहा था कि वो उनको हाथ से थोड़ा सा पीछे भी कर रहे थे, पर पोलाइटली, और कह रहे थे कि आप अभी जाइए, अभी मैं बात कर रहा हूँ और जब मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप आइएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसका बड़ा तफसीलन उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तो जो जजेज़ हैं, 3 जजेज़, उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलहदा किया। 2 सीनियर जजेज़ भी थे जिनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जिनमें सरदार तारिक साहब हैं, फिर उसके बाद मंसूर शाह साहब। तो 3 तो उन्होंने कहा कि अलहदा हो गए, ख़ुद अलहदा हो गए, क्योंकि अब हुकूमत इस वक्त फुल कोर्ट की इस्तदा की जाती है। तो उन्होंने कहा कि तमाम जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे नज़दीक उनकी एक ही तरह की कदर है, एक ही तरह की इज़्ज़त है और हम ये चाहते हैं कि उनके जो सोच है, उनकी जो उनके जो चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल उसी अंदाज में अमल दरामद हो। और हम इस वक्त सूरत हाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम इस मुकदमे को सुन रहे हैं। तमाम जजेस से कहा है कि वो इस्लामाबाद में रहें, लेकिन इस वक्त ये फुल कोर्ट बनाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वी विल गिव इट अ थाट। यानी आज ये चीफ जस्टिस साहब ने, इसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि इसकी गुंजाइश नहीं है, इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि 3 जजेस बाहर हैं, अतरमिनुल्लाह साहब भी बाहर हैं और भी उन्होंने कहा, और 3 जजेस पहले अपने आप को कर चुके हैं। तो मुमकिन नहीं है कि इस वक्त फुल कोर्ट बने, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम इसको थॉट देंगे। लेकिन उन्होंने आज एक 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 तरह से जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि ये फ़ौजी अदालतों का जो मामला है ये बड़ा सख्त होता है, और इसमें जो लोग जिनको, एक तो इसमें ट्रायल ओपन नहीं होता, और फिर दूसरा इसका कोई अपील इस तरह से नहीं है, और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं होता, एक समरी ऑफ एविडेंस दी जाती है। तो जो सिविलियंस हैं हमें ये देखना है, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके जो राइट्स हैं वो किस तरह से प्रोटेक्ट होंगे, और ये बड़ा सख्त है मामला। फ़ौजियों का जो मामला है, इदारे के लोग जो मामला हैं, वो तो उनके तो ट्रायल हो सकते हैं, लेकिन सिविलियंस का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में वो बड़ा एक मुश्किल चीज़ लग रही है। तो एक उन्होंने इंडिया दिया है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको अगर कोई एक्ट करना भी है तो वो आइन के अम्ब्रेला के अंदर, यानी इसके लिए आइन में आपको तब्दीलियाँ जो हैं वो करनी पड़ेंगी। और अभी तक बज़ाहिर जो गुफ्तगू थी उनकी, उससे ये तासुर मिलता था कि फ़ौजी अदालतों की सिविलियंस के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। और जब इरफान कादिर साहब आ रहे थे बार बार बीच में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब, पहले तो बात नहीं सुनी उनकी, फिर जब अभी, लेकिन वो इरफान कादिर साहब आखिरी दफ़ा तो बोलते रहे, उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर 2 जजेज़ हैं उनकी रिक्यूज़ल की मैं बात करूंगा। तो उन्होंने कहा उमर अता बंदियाल साहब ने कि इजाज़ुल हसन साहब कहते हैं कि हमें बड़ी शिद्दत से आपके आर्गूमेंट का इंतज़ार है, लेकिन ये इस तरह टिट बिट्स में नहीं होंगे कि आप हिस्सों में, पोर्शन में करें, एक ही दफ़ा आपके सारे जो दलाइल हैं वो सुनेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा इरफान कादिर साहब ने कि मैंने रिक्यूज़ल का कहना है, तो फिर आपने ये कहना है कि अब तो समाअत मुकम्मल हो चुकी है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे आप अभी सुन लें। तो कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। और इससे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने भी आके आर्गूमेंट दिए, और उन्होंने कहा कि जो अगर गठजोड़ साबित भी हो जाए तो भी नेक्सस के बावजूद भी जो ये अदालतें हैं उनके उनके हवाले से उन्होंने सवाल उठाया। एक इम्पॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस साहब ने कही कि जो तमाम जजेस हैं मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर मुमकिन हद तक जो जज भी कोई राय देता है उस पर अमल दरामद हो। और अब आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप याहिया अफरीदी साहब और दूसरा कह रहे हैं, तो हम इनको इंशाल्लाह हम इसको वी विल गिव इट ए थॉट। और ये फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा क्योंकि बहुत अहम है, इसलिए हम इसको छुट्टियों में भी सुन रहे हैं। साथ उन्होंने एक बात ये कही कि उन्हें इस बात पर बड़ी खुशी है कि जो लोग इस वक्त जिनको फ़ौजी अदालतों में जिनके मुकदमात रेफ़र किए गए हैं और उनको फ़ौज के हवाले किया गया, उनकी अपने रिश्तेदारों से बात करा दी गई है, वो अपने रिश्तेदारों से रब्ते में हैं। तो मुझे हमें इस बात पर बहुत खुशी है, क्योंकि ये जज साहब ने ही कहा था, उमर अता बंदियाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो लोग फ़ौजी इस वक्त फ़ौजी अदालतों में जिनके केस हैं और वो फ़ौज की कस्टडी में हैं, कम से कम उनकी फ़ैमिली से उनकी ज़रूर जो है वो मुलाकात वो करवा दी जाए। तो ज़ुबैरी साहब ने आज ये कहा कि जो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों से ट्रायल हैं वो पाकिस्तान के आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और पाकिस्तान का आइन जो है वो इस बात की गारंटी करता है कि सिविलियंस के जो राइट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। अब कल इंशाल्लाह दोबारा इसकी समाअत होगी, और अब आज जो इंडिया दिया चीफ जज साहब ने और जो जज साहबान की इस वक्त हमें राय नज़र आ रही है वो यही है कि फ़ौजी अदालतों की पाकिस्तान के आइन में शायद गुंजाइश नहीं। ये बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन हो सकता है, ये मेरा एक अपना इम्प्रेशन है जो मैंने अदालत में लिया है। फ़ैसला करना जजेस का काम है, और हो सकता है कि वो किसी मतलब कोई भी फ़ैसला वो कर सकते हैं, लेकिन आज तक के जो रिमार्क्स हैं उसमें एक तो फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हुई है, और दूसरा सिविलियंस के राइट्स की बात हुई है, और फ़ौजी अदालतें जो हैं ये कहा गया है कि पाकिस्तान के आइन में उनकी गुंजाइश नहीं है। ये आर्गूमेंट में भी कहा गया आबिद ज़ुबैरी की तरफ से, और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं उसमें भी ये चीज़ सामने आई। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।